69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को समाजवादी पार्टी संघर्ष के सामने झुकना ही पड़ा। समाजवादी लोग हमेशा समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए समाज में संघर्ष करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अंततः सरकार को उनकी आवाज के आगे झुकना ही पड़ता है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा, जो पुलिस द्वारा अपने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई थी, उन्होंने जो इतने दिन तक कष्ट झेला है, अब उत्तर प्रदेश की सरकार को उन अभ्यर्थियों से माफी मांगनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को समाजवादी पार्टी संघर्ष के सामने झुकना ही पड़ा। समाजवादी लोग हमेशा समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए समाज में संघर्ष करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अंततः सरकार को उनकी आवाज के आगे झुकना ही पड़ता है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा, जो पुलिस द्वारा अपने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई थी, उन्होंने जो इतने दिन तक कष्ट झेला है, अब उत्तर प्रदेश की सरकार को उन अभ्यर्थियों से माफी मांगनी चाहिए।